कि मेरी आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा, मेरी आत्मिक और भौतिक बुद्धि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आकर के परमेश्वर के स्वभाव में यदि बदल चुकी है, तब तो आप मान के रखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में हमारा मुर्दा जिंदा हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का मुर्दा मुर्दों में से जी उठा और जिसकी मरणहार देह अमर देह में बदल गई, केवल वही व्यक्ति होगा जो यीशु मसीह के साथ ऊपर उठाया जाएगा और 7 साल तक नए यरूशलेम में महिमा की देह पहनने के कारण नए यरूशलेम में निवास करेगा। और 7 साल में बचे हुए लोगों का भी ट्रांसफर वहां होगा। और जब पूरा उद्धार का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, तब नया यरूशलेम दुल्हन के समान तैयार होकर के इसी धरती पर आएगा। हालेलुया, जाके आपको फिर आना है और यहीं हम 1000 साल तक राज करेंगे। वो स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग की प्रैक्टिस है। आज चर्च के सामने स्वर्ग की तो डेफिनेशन ही शुरू नहीं हुई है। 1000 years इज नॉट द हेवन, बट यू कैन फील द हेवनली एक्सपीरियंस व्हाइल यू विल लिव इन द न्यू यरूशलेम व्हिच इज गोइंग टू बी सेटल्ड ओवर द फेस ऑफ दिस एर्थ, ऑन द फेस ऑफ दिस एर्थ। इस पृथ्वी के ऊपर ही आएंगे हम, महिमा की देह लेके आएंगे, गैस सिलेंडर का काम नहीं होगा। जूते चप्पल ली डायमंड रेमेंट इनका कोई काम नहीं है, छोड़ो नाक का बाला कान का बाला, इनका कोई काम नहीं है। जब तक जिंदा हो तब तक पहन लो, वहां कोई काम में नहीं आएगा। कांच लटका के रखे हो ठीक है, नहीं वहां तो ओरिजिनल मोती के दरवाजे होंगे बेटा। कितना सुख है। आज मसीहियत लापरवाह इसलिए है क्योंकि उनको 1000 साल की कहानी बताई नहीं गई। दैट्स व्हाई वी आर केयरलेस। तुमको तो पीतल मिला सोने पर इतना घमंड है कि कहा नहीं जा सकता, इसलिए बहुत से घरों में चोरी हो रही है। अरे गैलेट में पॉलिश लगा के रखो यार, जिससे कि ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए। बैंक में पैसा ज्यादा जमा मत करो, निकाल के खर्चा कर लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, घूम लो, 4 दिन हैं। हम तो 1000-2000 छोड़ के बैंक में रहने ही नहीं देते। पता चला 2 0 गए तो हमारा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। आजकल वैसे कैश नहीं चलता। एंजॉय द लाइफ विथ क्राइस्ट। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, ज्यादा पैसा नहीं, 1000-10000 रख के 12 पूरा निकाल करके खर्चा कर लो, अच्छा घर बना लो, 4 दिन रह लो। समय नहीं है, वक्त खत्म हो गया। 2 दिन पहले पवित्र आत्मा एक भयानक दर्शन दिखा रहे हैं। इतना भयानक स्वर्गदूत जिसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई के बारे में कहा नहीं जा सकता है। एक अग्निमय तलवार लेकर के समुद्र के ऊपर उतरा और उसने समुद्र को यूं करके छेद कर दिया और वहां से इतनी भयानक वेव्स निकली कि पृथ्वी के किनारे, समुद्र के किनारे जितने भी शहर हैं सब के अंदर पानी घुस गया और मरी हुई मुर्गियों की तरह लोग तैरने लगे। आगामी दिनों में ये सुनामी का कहर जितने भी समुद्र के किनारे वाले रहने वाले लोग हैं अपना इंतजाम करना शुरू कर लें। एक भयानक सुनामी की ये संदेश सुनाई दे रहे हैं। दार्शनिक कहता है, हे प्रभु ये कब होगा? तब एक बच्चा धारी स्त्री जच्चा लेकर के प्रसव पीड़ा में गुजर रही है और कह रही है, आ आ आ। अर्थात जिस स्त्री को जच्चा की वेदना हो गई, मतलब बच्चा होने वाला है,
इतना ही कम समय उस सुनामी को धरती पर आने के लिए बचा हुआ है। हालेलुया। इसलिए तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों पहाड़ियों में चले जाना, क्योंकि सुनामी की भारी लहर विशेषकर गुजरात से लेकर मद्रास और मद्रास से लेकर के कलकत्ता तक के रहने वाली समुद्र की पट्टियों पर रहने वाले लोगों, प्रभु तुम्हें एक बार फिर सावधान किया चाहता है। जैसे गर्भवती महिला जच्चा की प्रसव पीड़ा में होती है, सुनामी कुछ इसी प्रसव पीड़ा की दशा पर आ गई है, कब डिलीवरी हो जाए जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह सब कुछ इसलिए जिससे कि परमेश्वर का फूला हुआ मन ठंडा हो जावे। अब वह ज्यादा देर नहीं करेगा। मेरे प्रियो, ऐसे समय में हमारे पास एक ही इलाज है। क्यों परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमारी आत्मा को अपनी आत्मा से अलग करके हमारे पैदा होने तक के लिए ठहरे रहा, और एक नियुक्त समय पर आपको किसी विशेष मामा और पापा से तन पहना के धरती पर पैदा किया, और इतनी जल्दी 70 वर्ष में तुम मर पड़े? अरे पैदा होने से लेकर मरने के पहले तुम धरती पर मानव देह में क्यों आए, इसके बारे में भी तो थोड़ा सा सोच लिया होता। इसलिए जिससे कि आप पैदा होने से लेकर मरने तक इन 3 दांते वाली चाबी को इकट्ठा कर लें, जो इफिसियों 1:4 में है कि पवित्र प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने वाले कार्यक्रम को पूरा करने के लिए उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमारी आत्मा के साथ चुनाव रखा कि जिस दिन तुम शरीर में होकर के जाइएगा तो तुम्हें प्रेम में निर्दोष और पवित्र बनने वाले एटीट्यूड्स को अपनाना है, जिससे कि आपकी आत्मा के अंदर में रहने वाला पवित्र आत्मा आपके आत्मिक मन को और शारीरिक मन को कंप्लीटली अपने अधिकार में लेकर के आपके स्वभाव में ईश्वर का स्वभाव डाल दे, जिसके कारण से यीशु के दूसरे आगमन में मुर्दों में से जी उठने का सौभाग्य आपके तन को मिले। हर एक शरीर को वह महिमा की देह पहना देना चाहता है, हर एक शरीर को वह महिमा की देह पहना देना चाहता है, जिससे कि आप 1000 साल के लिए उस अमर राज्य में प्रवेश करें और यहां आके 1000 साल तक राज्य करने पाए। दैट इज द पर्पस। यू आर ए इन अ ह्यूमन फॉर्म। ये शरीर कोई सजाने धजाने के लिए नहीं है, खिलाने पिलाने और पालने पोसने के लिए नहीं है, वरन इस शरीर को खुदा ने महिमा की देह में रूपांतरित कर देना चाहिए। ये मेरे प्रभु का मिशन है। इस मट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने असीम सामर्थ्य रूपी धन रखा है। प्रेज द लॉर्ड। अब थोड़ा सोचिएगा ना, कभी आपने सोचा था कि यीशु के आने के टाइम पर आपके ये मरे वाले शरीर को अमर बनाना चाहिए बोल के, इसके लिए हमको कौन कौन सी उपलब्धियां जमा करनी पड़ेगी? किस शर्त पर आपका मुर्दा जिंदा होगा? किस शर्त पर आपका मुर्दा जिंदा होगा? किस शर्त पर और कौन आपके शरीर को जिंदा करने के काबिल बनाएगा? वही फूंक जिस फूंक ने आदम के शरीर में पहले प्रवेश किया, फिर जीवन को और श्वास को अंदर ले गया, तब पवित्र आत्मा ने आत्मिक मन को और शारीरिक मन को ईश्वरीय स्वभाव में बदल करके इस लायक बना दिया कि आदम का शरीर अब मटेरियल बॉडी में नहीं वरन नॉन मटेरियल बॉडी में कन्वर्ट हो जाए। और इस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को महिमा की देह में बदलने की योजना लेकर के उसे इस धरती के अंदर भेजा, और इसी के लिए हमको तैयारी करनी है। अब तुम्हारी शादी होवे और ना, बच्चे होवे या ना, कोई तुम्हें पसंद करे या ना, तुम्हारे पास घर है या ना, कार है या ना, आपका कोई परिचय है या ना, टेंशन मत लो। पर आपने अपने आप में शरीर हमारा अमर बनना चाहिए, उसके लिए मैंने क्या उपाय करना है? और उसका एक रास्ता
पहला, पहले आदम बाबा पवित्र आत्मा से भरपूर थे, आप भी वही कोशिश करो। और उसके बाद अपने मन को ना ये मोबाइल के इचिक बिचिक से खराब मत करो। मोबाइल को इचिक बिचिक से खराब मत करो, कहीं मन दूषित हो गया एक बार तो कहीं हाथ से ये देह का पुनरुत्थान चला ना जाए मेरे प्रियो। और हजारों हजार साल तक राज्य करने वाले, उस राज्य से हम वंचित ना हो जाएं। परमेश्वर पिता मेरे और आपकी मन की आंखों को खोले।